हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई विल टीच यू एक्सरसाइज 2.2 फॉर क्लास फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर 6 है भाई हमारे पास। अंशु बोट ए साइकिल इन 2999 रुपीज़। भाई अंशु ने एक साइकिल कितने रुपए में खरीदी? 2999 रुपीज़ में खरीदी। एंड रुचि बोट ए साइकिल, और रुचि ने एक साइकिल कितने रुपए में खरीदी? 2650 रुपीज़ में खरीदी। तो हाउ मच मोर मनी डिड अंशु बाई साइकिल देन रुचि? तो भाई अंशु ने रुचि से कितने ज़्यादा रुपए में साइकिल खरीदी, तो ये हमें बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, अंशु बोट साइकिल। भाई अंशु ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी? 2999 रुपीज़ में। एंड रुचि बोट साइकिल, रुचि ने साइकिल कितने रुपए में ख़रीदी? 2650। तो भाई हमसे पूछ रहा है कि अंशु ने रुचि से कितने ज़्यादा रुपए में साइकिल ख़रीदी, इसलिए हम भी इनका क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, 9 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बच जाएगा? 9। 9 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा? 4। 9 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा? 3। 2 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 0। तो भाई अंशु ने रुचि से कितने रुपये में ज़्यादा में साइकिल खरीदी? 349 रुपीज़ में ज़्यादा खरीदी। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास एडिशंस ऑफ टू नंबर, या हम इसको ये लिख सकते हैं, सम ऑफ टू नंबर भाई। कोई भी दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का सम कितना दे रखा है इसने? 7678, ठीक है। इसमें से वन नंबर हमारे पास क्या है? वन नंबर इज, दूसरा नंबर हमारे पास क्या है? 4613। तो हमें दूसरा नंबर बताने की, दूसरा नंबर हमारा क्या आएगा, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास दूसरा नंबर आ जाएगा। 8 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बच जाएगा? 5। 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बच जाएगा? 6। 6 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा? 0। 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बच जाएगा? 3। अगर हम 4613 में 3065 को ऐड करें तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 7678। देखो 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। 6 में 1 ऐड करेंगे 7, 6 का 6 और 4 3 कितना हो जाएगा? 7। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मोहन हैज़ 10,000 रुपीज़। भाई मोहन के पास कितने रुपीज़ हैं? 10,000 रुपीज़ हैं। मोहन मोहन के पास कितने रुपीज़ हैं? 10,000 रुपीज़ हैं। ओके, जिसमें से उसने क्या ख़रीद लिया? भाई वीट ऑफ रुपीज़ 4500, उसने वीट ख़रीदे कितने रुपए के? 4500 रुपीज़ के। और उसने राइस ख़रीदे हैं कितने रुपए के? 1600 रुपीज़ के। तो हाउ मच मनी लेफ्ट विद हिम, तो उसके पास कितने रुपए बचे? तो भाई हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो आंसर आएगा उसको 10,000 में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखो इनको ऐड करेंगे कितना आएगा? 0 0। 5 में 6 ऐड करेंगे तो 11। 1 कैरी, 4 में 1 ऐड करेंगे 5, 5 में 1 कैरी ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 6। अब इसको क्या कर देंगे हम, 10,000 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, 0 में 0 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 0। अब यहाँ से कर लेंगे 10 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 9। 9 में 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा? 3। तो भाई मोहन के पास कितने रुपए बचे? 3900 रुपीज़। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।